हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल टॉप 100 हिंदी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड IPO के बारे में, जिसकी जो है हम फाइनेंशियल्स और टेंटेटिव डेट्स दोनों देखेंगे। सिंपली हम नीचे देख लेते हैं थोड़ी सी इनकी इकोनॉमी ग्रोथ कैसी रही और इनके बारे में कुछ हम जान लेते हैं जानकारी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली इनकॉर्पोरेटेड, आप मैं दिखा देता हूँ, इनकॉर्पोरेटेड इन द 2000 रेलटेल कॉरपोरेशन इज पब्लिक सेक्टर बिजनेस यूनिट हॉटेड ऑनर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द रेलवेज। यानी इनका जो बिजनेस है वो उनको मैनेज करता है इंडियन रेलवे और इंडियन रेलवे के मिनिस्ट्री और इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो मैनेज करते हैं रेलटेल के। इनके जो हकदार हैं वो रेलटेल के हैं। और 2000 यानी 2000 में कंपनी की स्थापना की गई थी। मेन रूप से कंपनी की स्थापना की गई थी वो सिंपली फाइबर यानी जो अब वायरलेस होता है नेटवर्क का, उसे बिछाने के लिए किया गया था, जो हर स्टेशन पे और रेलवे से रेलवे हर स्टेशन टू स्टेशन और रेलवे को कनेक्ट करता है एक दूसरे से इंटरनेट से। सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लार्जेस्ट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स, यानी रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स हैं वो सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। और देख सकते हैं यहाँ पे रेलटेल यूजेस द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाइक हाई डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन DWDM एंड मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग MPLS नेटवर्क। यानी इनका जो है वो मल्टी प्रोटोकॉल लेवल से स्विच करके नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। और एज ऑन 30 जून 2020 इट हैज कवरेड एंड ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क ओवर 55,000 किलोमीटर एंड 5,677 रेलवे स्टेशन। यानी 30 जून 2020 तक में इन्होंने कैप्चर किया था 55,000 किलोमीटर रेलवे लाइन को फाइबर के माध्यम से और 5,677 रेलवे स्टेशन को कवर किया था अपने अंदर। द कंपनी हैज डाटा सेंटर्स इन हरियाणा, गुरुग्राम, सिकंदराबाद एंड तेलंगाना। इनका जो डाटा सेंटर्स हैं वो हरियाणा का गुरुग्राम, सिकंदराबाद और तेलंगाना में है। सिंपली हम इनके प्रमोटर्स की बात कर लेते हैं, इनके प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। सिंपली सबसे पहले प्रोडक्ट्स जो काम करते हैं इनके जो होते हैं टेलीकॉम नेटवर्क सर्विसेज, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, डाटा सेंटर्स एंड होस्टिंग सर्विसेज, सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज। हम इनकी हम प्रोमोटर्स की बात कर लेते हैं। सिंपली इनका जो आप लोगों ने देखा वो इनकी बिजनेस है, प्रोडक्ट है। इनके जो प्रोमोटर्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्राउच द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। यानी इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रपति वो हैं इनके प्रमोटर्स और रेल मंत्री इनके प्रमोटर्स हैं इंडिया के जो रेल मंत्री हैं। सिंपली हम यहाँ पे कंपनी की फाइनेंशियल ईयर्स की देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली मार्च 2018 की हम बात कर लेते हैं, 31 मार्च 2018 की। तो आप यहाँ देख सकते हैं एसेट्स जो था वो 23,000। हम टोटल डायरेक्टली एसेट्स की बात नहीं करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे सिंपली, ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो पाए। सिंपली हम यहाँ पे देख सकते हैं 1340 करोड़ यानी मिलियन में दिया गया है। हम थोड़ा सा हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं और करोड़ में, ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आए। 1340 करोड़ यहाँ पर ग्रोथ सी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पर आप देखा और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर यहाँ पे 31 मार्च 2019 देख सकते हैं 1353 यानी थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है कंपनी के अंदर। फिर हम 31 मार्च 2020 देख लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एसेट, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं सारा डिटेल्स में। आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा ग्रोथ हुआ 1410 करोड़। और जैसे ही हम बात करते हैं यहाँ पर दो क्वार्टर्स यानी लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन था 2020 में उसकी हम बात करते हैं, तो यहाँ पे 455 करोड़ दो क्वार्टर्स में ही कैलकुलेट इन्होंने किया था। सिंपली यानी थोड़े धीरे धीरे ग्रोथ करती है कंपनी, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है तो थोड़े धीरे धीरे तो करेगा ही। और यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं
ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, यानी इशू आईपीओ क्यों लाए हैं कंपनी, यहाँ पे देख सकते हैं। द नेट प्रोसेस्ड फ्रॉम आईपीओ विल बी यूज्ड टॉवर्ड्स फॉलोइंग पर्पस, टू कैरी आउट दी इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी फिर से इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी और जगह, टू अचीव द बेनिफिट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स लिस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, यानी लिस्ट करना चाहते हैं कुछ अपने फायदे के लिए स्टॉक एक्सचेंज पे, ताकि इनको फ़ायदा मिल सके जो हर कंपनी को मिलता है। सिंपली यहाँ पे हम लोग डेट के देख लेते हैं, रेलटेल आईपीओ डिटेल्स के बारे में इनके जो डेट हैं वो देखते हैं थोड़ी सी। आईपीओ ओपनिंग होगा 16 फरवरी को और क्लोज होगा 18 फरवरी को। इशू टाइप है बुक बिल्ट इशू आईपीओ। अब हर आईपीओ जो आ रहा है ज़्यादातर बुक बिल्ट इशू आईपीओ आ रहा है। 10 पर इक्विटी शेयर्स हैं। आईपीओ प्राइस जो है 93-94 पर इक्विटी शेयर्स कट ऑफ प्राइस है। यहाँ पे मार्केट लॉट है 155 शेयर्स, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 155 है और लिस्टिंग एट बीएनएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होंगी। इशू साइज आप यहाँ पे देख सकते हैं 819 करोड़ की है, जो काफ़ी बड़ी बनाई जाती है यहाँ पे। यहाँ पे टेंटेटिव डेट्स की हम देख लेते हैं सिंपली। टेंटेटिव डेट्स जो हैं रेलटेल आईपीओ की, सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं आईपीओ ओपन होगी 16 फरवरी आईपीओ क्लोज होगी 18 फरवरी को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट जो है 23 फरवरी है। एनेसेंस ऑफ रिफंड्स जो है 24 फरवरी है। क्रेडिट शेयर्स ऑफ डीमैट अकाउंट है 24 फरवरी और आईपीओ लिस्टिंग डेट जो है 26 फरवरी, यानी एनेसेंस ऑफ रिफंड जो होगी और अलॉटमेंट जो होगी एक ही दिन में दोनों हो जाएगी। सिंपली हम आईपीओ की साइज़ की बात कर लेते हैं और इनमें होल्डिंग की भी बात कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2015 में शेयर्स जो थे, यहाँ पे देख रेलटेल आईपीओ लॉट साइज, द रेलटेल आईपीओ मार्केट लॉट साइज इज 150 शेयर्स एंड रेलटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कैन अप्लाई अप टू 13 लॉट्स 2015 शेयर्स, यानी 1,89,410 रुपये का शेयर्स आपको ख़रीदने होंगे अगर मैक्सिमम 13 लॉट आप लोग अप्लाई करते हैं तो। सिंपली यहाँ पे देख लेते हैं इनके मिनिमम एप्लीकेशन है 1 लॉट और 155 शेयर्स और 14,570 रुपये कट ऑफ प्राइस के साथ है। मैक्सिमम जो है 1,89,410 और 2015 शेयर्स हैं और 13 लॉट्स हैं। और यहाँ पे आईपीओ प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें, प्री इशू शेयर्स होल्डिंग जो है 100% है, पोस्ट इशू शेयर्स होल्डिंग जो है वो 0% है। सिंपली हम लोग नीचे देख लेते हैं, नीचे कुछ नहीं है तो हम इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम सिंपली देख लेते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम पे आ जाते हैं। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने से पहले आप मेरे चैनल पे आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग पहुँच जाए। सिंपली हमें यहाँ पे देख सकते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस जो काफ़ी इंक्रीज हो चुका है। 11/2 यानी 10 तारीख को सबको पता चला रेलटेल का आईपीओ के बारे में कि कब होगा इसका डेट, कब से अप्लाई होगा, कब से नहीं होगा, तो थोड़ा सा 5 से 10 रुपये के उछाल यानी डबल उछाल आया। फिर दूसरे दिन भी उतना ही रह गया तो फिर तीसरे दिन यानी आज का दिन जो है 12 फरवरी, तो आप देख सकते 35-40 रुपये हो गया है ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस इनका, जो काफ़ी बढ़ गया है पहले से। हम सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे ऐड करते हैं कितना परसेंटेज या फिर कितना पैसे पे आज की प्राइस के हिसाब से लिस्ट होगी कंपनी। तो यहाँ पे 94 रुपये थी प्राइस बैंड और यहाँ पे हम डाल लेते हैं सिंपली 40 रुपये, 4, 9, 4, 13 यानी 134 रुपये के प्राइस पे लिस्ट होगी कंपनी अगर आज के प्राइस में ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस पे लिस्ट होती है कंपनी तो। यानी मेरे ख्याल से यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी 40 to 45% इंक्रीज होने की चांसेस हैं। प्रॉफिट यानी ग्रोथ दिखाने के मूड में है कंपनी लिस्टिंग गेंस पे आप सिंपली, इसलिए आप लोगों को अप्लाई करना है या नहीं करना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे। लास्ट डेट पे मैं भी बताऊंगा मैं अप्लाई करूंगा या फिर नहीं करूंगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स।